आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतने ट्रेडिशनल वे में क्यों रेडी हूँ, मैंने इस मराठी मुर्गी का लुक क्यों किया है, तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने फेस्टिव सीजन में एंटर कर लिया है और बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी एंड ऑल्सो क्रिसमस। तो और आप सभी चाहते होंगे कि आप आपके इस फेस्टिवल के सीजन में और फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लगे, तो यहाँ पर हमने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी है। तो अगर आप चाहते हैं इस लुक को क्रिएट करना, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये लुक हर कोई क्रिएट कर सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, हमने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सो यस गाइस, ये लुक क्रिएट करने के लिए लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो सबसे पहले हम फेस पे लगाएंगे ममा अर्थ का ये विटामिन सी, जो मैं एक मिनट अपने फेस पर लगा के रखूंगी एंड देन नेक्स्ट विल अप्लाई द मॉइस्चराइजर जेंटली हर एरिया पे। सो मैंने विटामिन सी अपने फेस पे लगा के एक मिनट रख दिया है ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। अब मैं लगाऊंगी ये मॉइस्चराइजर, सो इसको भी अच्छे से पूरा फेस पे जेंटली हर एरिया में लगाकर अच्छे से इसको भी कम से कम एक मिनट के लिए या तो 2-3 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के आपको रखना है, ताकि जो आपका मेकअप है वो बहुत अच्छे से जेंटली स्प्रेड हो जाए इवनली। तो ये हमने ले लिया है प्राइमर। गाइस, प्राइमर बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज जब आप ये लगा लेंगे आपके फेस पे तो ये आपका जो मेकअप है वो एकदम फ्लॉलेस लगेगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट योर प्राइमर। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अपने आईब्रोज करूंगी और ये है वो प्रोडक्ट। और मैं अपने आईब्रोज बहुत प्रिसिशन के साथ करती हूँ और मुझे बहुत टाइम लगता है। सो अगर आपको इस पे ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए स्पेशली वो ट्यूटोरियल बनाऊंगी। लेकिन मैं आपसे मिलती हूँ ये आईब्रोज फिल करने के बाद। सो आई एम डन विथ माई आईब्रोज हियर एंड नाउ आई स्टार्ट विथ माई आईज। आई डोंट नो आप कैसे करते हैं, बट आई ऑलवेज डू माई आई फर्स्ट एंड देन आई मूव टू माई फेस। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक कंसीलर जो मैं अपने आईलिड्स पर लगाऊंगी एंड देन आई स्टार्ट अप्लाइंग माई मेकअप। सो हल्का हल्का, नॉट ज़्यादा। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड 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 ब्लेंड, नॉट मच। ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, बिकॉज आपको ध्यान रखना है अपनी आँखों का भी। सो यहाँ पर अपने हमारे जो कंसीलर है वो हो गया है ब्लेंड। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपको ब्लेंडर ही यूज़ करना है। यू कैन यूज़ योर ब्लेंडर, यू कैन यूज़ योर ब्रश और यू कैन यूज़ योर फिंगर, विच इज़ द बेस्ट आई कैन से। सो यस, यहाँ पर हमारा हो गया है कंसीलर अच्छी तरह से ब्लेंड। सो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लूज पाउडर। यू कैन ऑल्सो यूज़ बेबी पाउडर, इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो हम अभी इस बेस करने वाले, जो आई मेकअप करने वाले हैं, वो क्रीज नहीं होगा। सो यस, सो अब हम मूव करने वाले हैं हमारे आई मेकअप पे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई लव डूइंग माय आई मेकअप। सो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ ये व्हाट इज इट, हुडा ब्यूटी का न्यूड पैलेट। और हम यहाँ पर फर्स्ट यूज करेंगे बेस जो है दिस वन, विच इज स्टेडी। सो ये हम हमारे बेस पे लगाने वाले हैं। सो दिस Here I'm applying my base. You can see ये बहुत light color है। इस पर you can apply any darker shade or lighter shade which will look good. This is just a tone जो हमको base के लिए use कर रहे हैं हम। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो बेस कलर यूज़ किए हैं। दिस वन इज स्टेडी एंड आई हैव यूज दिस इज प्ले। सो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आज यूज़ कर रही हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ इन केस यू वांट टू बाय इट फॉर योरसेल्फ, सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड यू कैन बाय इट।
सो फ्रेंड्स, अब हम यूज करने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर और ये है स्पैंड। ओ माय गॉड, द नेम इज वेरी यू नो क्रेजी नेम। सो लेट्स सी, लेट्स अप्लाई एंड चेक, बिकॉज यू फर्स्ट टाइम ये पैलेट यूज कर रही, हैव नेवर यूज दिस पैलेट बिफोर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस पैलेट, सो इवन आई एम एक्साइटेड टू चेक ये कलर्स कैसे आते हैं। सो लेट्स चेक, इट्स लुकिंग लवली फ्रेंड्स। आप अपने आई शेडो जो आप लगा रहे हैं उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए, ओनली देन आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। सो इट्स यू जस्ट हैव टू डू इज ब्लेंड 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 ब्लेंड। सो ये जो पिंक कलर है विच इज स्पैंड, आई हैव जस्ट यूज इट ऑन माई क्रीज। मैंने क्रीज के ऊपर या नीचे ज़्यादा लगाया नहीं है, ये सिर्फ क्रीज पे लगाया है मैंने, और ये एंड तक मैंने पूरा उसको अप्लाई किया है अच्छी तरह से। एंड यू कैन सी एकदम डार्क हो गया है ये। सो फ्रेंड्स, माई कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस मेकअप, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल एंड इट्स सो डार्क एंड आई एम लविंग दिस कलर, इट्स लुकिंग वाओ, इतना ब्यूटिफुल लग रहा है ये कलर, मैं आपको क्या बताऊँ। सो यस, अभी हम बढ़ते हैं दूसरे कलर के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा कलर यूज़ करूँ। अब हम यूज़ करेंगे दिस पैलेट और इसमें से हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा कलर लगाना है। ओके, सो इस पैलेट में से हमने डिसाइड किया कि हम ये कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि जो मेरा आउटफिट है आज, इट्स पिंक एंड काइंड ऑफ पर्पल, सो दिस इज़ अ लिटिल डार्कर कलर, डार्क पर्पल। सो लेट्स सी, ये भी पैलेट मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड येस यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। दिख तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर, ओ माय गॉड लुक एट दिस, इट्स अ ब्यूटिफुल पर्पल कलर। एंड लेट्स सी, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर में लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, यू जस्ट हैव टू प्रेस हल्का हल्का। See, it's looking pretty. So, हल्का हल्का press, ज़्यादा नहीं. So, मैंने apply कर दिया है यहाँ purple, and now मैं थोड़ा सा यहाँ पर cut crease कर दूँगी, and I will fill in some glitters. So, let's do it. सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कट क्रीज मेथड, एंड देन आफ्टर डूइंग सम कट क्रीज आई विल अप्लाई सम लूज पाउडर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ये शिमर, ओके, एंड आई विल बी यूजिंग माय फिंगर टू अप्लाई दिस। सो ये बहुत अच्छे से हल्के हाथों से आपको लगाना है, एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो मैं आईलाइनर यूज़ करूँगी। सो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप वो सारे प्रोडक्ट्स इस फेस्टिव सीजन के लिए ले सकते हैं। सो मैं सोच रही हूँ मैं अपना विंग्ड आईलाइनर बनाऊँगी थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि अभी गणपति बैठ चुके हैं, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, और बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स आप ले सकते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं गाइस। मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे पता है दे इज़ अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। सो मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी,
और आप सारे चेक कर सकते हैं। आप प्राइजेस भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यस, आप ये सारे ले सकते हैं। सो जब तक मेरा आईलाइनर सूखता है फ्रेंड्स, मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट कर लेती हूँ। सो हम अप्लाई करेंगे अभी हाईलाइटर। मुझे बहुत ज़्यादा आई एम अ फैन ऑफ हाइलाइटर गाइस, जो मुझे जितना शिमर हो उतना अच्छा लगता है। सो मेरी ये आंखें हो गई है, अब मैं करूंगी इन आंखों पे अपना मेकअप और फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब हमारी दोनों आंखों का मेकअप हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं हमारे फेस की तरफ और सबसे पहले हम लगाएंगे फाउंडेशन। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है फिटमी का फाउंडेशन, जो मेरे स्किन से पूरी तरह से मैच करता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टैप 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 हर जगह, एंड देन इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। इट्स लुकिंग फ्लॉलेस बिकॉज जो हमने पहले बेस लगाया था, विच वॉज पहले हमने मॉइस्चराइज किया था एंड देन उसके बाद वी अप्लाइड प्राइमर, उसकी वजह से आप देख सकते हैं इट्स लुकिंग सो फ्लॉलेस। आपके हेयरलाइन के यहाँ पर भी लगाए ताकि वो आपका जो स्किन टोन डिफरेंट ना दिखे। एंड आई डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ फाउंडेशन और थोड़ा सा मेकअप ऑन योर नेक, क्योंकि आपका फेस का कलर और आपका नेक का कलर मैच हो जाए। सो यस, डन। आई एम यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर जो ऑलरेडी डैप्ड है। यस, अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर सेम वे में, नॉट पूरे फेस पर, नोज पे, आई, एंड ऑन योर फोरहेड, बट विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर उससे हम इसको भी लगा लेंगे। Thank you.
हमारा कंसीलर अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है एंड नाउ द मेन थिंग। सो मैंने अपना फाउंडेशन और कंसीलर लगा लिया है और मैं जो करती हूँ गाइस, मैं वो आपको बता रही हूँ, एक ट्रिक है विच आई यूज इट। सो आफ्टर अप्लाइंग माई फाउंडेशन एंड कंसीलर, मैं क्या करती हूँ, जो अपना मेकअप फिक्सर है वो अपने मैं फेस पे पूरा एक स्प्रे पूरा लगा लेती हूँ एंड आई लेट इट सेट फॉर फ्यू मिनट्स, जब तक वो ड्राई नहीं होता। द रीज़न बिहाइंड दिस ट्रिक इज़ बिकॉज आप जब ये मेकअप फिक्सर लगा लेते हैं तो आपको जो स्माइल लाइन्स और जो रिंकल्स हैं वो नहीं आते। ये जो ट्रिक है वो मैं यूज़ करती हूँ। जो ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है बिकॉज आई हैव ट्राइड इट मैनी टाइम्स। ये जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स नहीं आता है, स्माइल लाइन्स भी नहीं आती है। सो आप भी ये ट्रिक यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपके लिए वर्क करती है या नहीं। अभी हम लगाएंगे थोड़ा सा लूज पाउडर। यू डोंट हैव टू प्रेस इट रियली हार्ड, आपको बहुत जेंटल हाथों से, हल्के हल्के हाथों से आपको सिर्फ उसको डैब डैब करना है, दैट्स इट। एंड इट विल फिक्स योर मेकअप पूरा और आपको फाइन लाइन्स क्रीज वगैरह कुछ भी नहीं आएगा और ना ही आपका जो ये मेकअप है वो केकी दिखेगा। सो हल्के हल्के हाथों से यू जस्ट हैव टू It's looking really, really pretty. थोड़ा सा नेक पर भी, बिकॉज हमने वहां पर भी फाउंडेशन लगाया है। सो यस, नाउ इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। अब हम पूरे फेस पे कॉन्टोरिंग करेंगे एंड I don't like much, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता ज़्यादा डार्क, so we'll do थोड़ा सा लाइट। So make sure कि आपका जो फेस है वो आप ऐसे करके लगाए तो ये आपकी जॉ लाइन पे यू कैन सी बहुत अच्छे तरह से लगेगा। It's looking pretty. और हम हमारे forehead पे भी थोड़ा सा contouring कर लेंगे, sorry, contouring. So after this, we'll do some baking. Recently, I have started baking my face. पहले मैंने कभी नहीं किया था, मतलब मुझे अच्छा लगने लगा है। जो लास्ट हमारे एक DIY चैनल पे हमने एक वीडियो डाला था जो मैंने जेम्स चार्ल्स का जो एक लुक हमने क्रिएट किया था, दैट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप। वरना आई एम नॉट अ प्रोफेशनलिस्ट गाइस, जस्ट लेट मी टेल यू, आई एम अ बिगनर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई लव डूइंग मेकअप बट नॉट दैट मच। माई सिस्टर शी इज़ द वन जिसको बहुत बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मेकअप, बहुत उसको अच्छा लगता है एंड आई एम नॉट द वन। सो जब तक हमारा बेकिंग हो रहा है, आई विल जस्ट कॉन्टोर माई नोज। नॉट मच, इससे आपकी नोज एकदम श्रिंक, एकदम छोटी सी दिखती है। सो यस,
हल्का हल्का कॉन्टोरिंग आपके नोज एरिया पे, नाउ विल डू बेकिंग हमारे नोज एरिया पे भी, लूज पाउडर थोड़ा सा एंड now what will I do? I'll use this both colors on my lower lashes. दोनों को ब्लेंड करके मैं नीचे से नीचे लगा लूंगी. सो इट डिपेंड्स इफ यू लाइक इट, पूरा यहाँ से टिप से लेके यहाँ तक लगा सकते हैं. इफ यू वॉन्ट आप सिर्फ हाफ एरिया तक भी लगा सकते हो. सो आई सी विच वन इज लुकिंग गुड एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं उसके अप्लाई करूंगी. इट्स लुकिंग प्रिटी. नाउ अब हम दूसरी आंखों पे भी लगा लेंगे. यू कैन सी जॉ लाइन में कितनी अच्छी लग रही है हमारी. आई डोंट अप्लाई काजल फ्रेंड्स, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई काजल. आई डोंट नो बट आई डोंट लाइक अप्लाइंग काजल ज़्यादा. मैं कभी लगाती भी नहीं हूँ. आई हैव नेवर अप्लाइड काजल. सो इफ यू वॉन्ट तो आप इस लुक को काजल के साथ भी कर सकते हो. यू कैन अप्लाई काजल बट मैं अवॉइड करती हूँ काजल लगाना. एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग नाउ. और हम अब लगाएंगे हमारा मस्कारा. I'm not applying, मैं false lashes नहीं लगा रही हूँ अभी. I'm just applying my mascara. Be careful थोड़ा सा ताकि आपका mascara आपके eye makeup किया है उस पर ना लग जाए. So be careful. The curl. So अब हम लगाएंगे highlighter. So put your highlighter on your highest point of your face. And as I told you friends, मुझे highlighter बहुत ज़्यादा पसंद है. I like shimmery shimmery. So yes, see how it's looking. थोड़ा सा nose पे. Oh my god. Highlighter लगाने के बाद face का look ही change हो जाता है. And on your cupid area. On cheekbone. Har jagah. Wow. Blush. So, not much. Halka. ये मुझे मेकअप लुक अभी से इतना इतना अच्छा लग रहा है. इट्स लुकिंग सो गुड. वो फेस्टिव सीजन का ना वाइब अभी से आ रहा है मुझे. ज्यादा नहीं लगा रही हूँ. मुझे ज्यादा ब्लश इतना पसंद नहीं आता है इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का हल्का लगा रही हूँ. सी डन. सी इट्स लुकिंग सो प्रिटी. पीछे पीछे कलर थोड़ा सा हम लगा लेंगे हमारे
चीक बोन पर आओ। एंड नाउ सबसे लास्ट थिंग इज द लिपस्टिक। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ये तीन लिपस्टिक है, बट आई एम रियली कन्फ्यूज, मुझे नहीं पता मैं कौन सी लगाऊँ। ये है माई ग्लैम की पिंक कलर, ये है रेड कलर विच इज़ फ्रॉम फेसेस, एंड ये अदर है मेरे पास माई ग्लैम की विच इज़ मूव कलर। सो आई एम रियली कन्फ्यूज, मुझे नहीं पता मैं कौन सा लगाऊँ इन तीनों में से। आई थिंक आई गो फॉर दिस पिंक वन, बिकॉज जो मेरा आउटफिट है वो पिंक कलर का है, सो आई थिंक आई अप्लाई दिस वन। और मैं इन सब के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इफ इन केस यू वांट टू बाय यू कैन चेक इट आउट। और यस गाइस, आई रियली फॉरगॉट, मैं हाइलाइटर लगाना तो भूल गई अपने फेस पे, सो लेट्स अप्लाई हाइलाइटर। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, अगेन माय फेवरेट पार्ट, ग्लिटर ग्लिटर। आई जस्ट लव हाइलाइटर, माय गॉड इट्स लुकिंग सो गुड। Yes, इस साइड पे भी लगा लेंगे हम हाइलाइटर। यू कैन सी द ग्लो, ऐसे लग रहा है मैं बिगनर नहीं हूं, आई एम अ प्रोफेशनलिस्ट। जोक्स अपार्ट, यस सी, हमारा कंप्लीट लुक, ये मेकअप हमारा हो गया है। अभी हम हमारे बालों को बना लेंगे और मैं आपसे मिलती हूँ अपने आउटफिट को पहनने के बाद, और फिर आपको मैं पूरा लुक बताती हूँ। आपको ये जो हमने लुक क्रिएट किया है आपको पसंद आया होगा, और आप जानते हैं आपको क्या करना है, राइट? हाँ, नहीं, मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और कमेंट करके हमको ये बताना है कि आपको ये जो हमने लुक क्रिएट किया है वो कैसा लगा है। और यस गाइस, डोंट फॉरगेट कि आप ये जो जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं, आप हमारे सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उनको भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यस फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।